नमस्कार। थाटो का क्रम आगे बढ़ाते हुए आज मैं फिर से हाजिर हूँ कुछ और जानकारी, कुछ और इनमें बातें लेकर। तो ठाट के प्रकार और स्वर, तो इनमें ठाट में क्या प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं और कितने स्वर और कहाँ पे कौन से स्वर यूज होते हैं, क्योंकि थोड़ा मैंने ऐसे बताया था बोलकर एक बार लिख करके, और ताकि आपको भी नोट करने में बने और आपके भी पास वो सारा कुछ लिखा हुआ हो, ताकि आपको कभी भी रियाज करना है, कुछ भी करना है, आपके लिए एक हैंडी कुछ रहे, इसलिए मैंने ये फिर से एक सेशन बनाया है आपको ठाट के बारे में बताने को। ठाट का अर्थ, ठाट का संक्षिप्त परिचय। ठाट भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक महत्वपूर्ण संकल्पना है। यह मुख्य रूप से रागों की संरचना का आधार बनाता है। ठाट संगीत के स्वर, ताल और सुरों का एक विशेष संगठन है जो उसे एक विशेष रूप दिया होता है। इससे न केवल रागों का चयन बल्कि उनके प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया को भी समझाने का काम होता है। ठाट व्यावसायिक और भावनात्मक दोनों ही स्तरों पर संगीत का मूल संकल्पनाओं में से एक है। तो आगे बढ़ते हैं इसी में। तो ये कुछ प्रमुख ठाटों के बारे में मैंने बताया आप लोगों को, टोटल 10 ठाट, उनमें से ये कुछ प्रमुख ठाटों के बारे में एक कुछ जानकारी है ठाटों के बारे में। प्रमुख बोलना गलत होगा क्योंकि सारे ही ठाट प्रमुख ही हैं, 10 ही हैं ठाट, और उन्हीं में सारे राग अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये सारे ठाट, ये कुछ राग, कुछ ठाट हैं जिनके बारे में कुछ जानकारी है। ठाट के प्रमुख प्रकार, भैरव ठाट। भैरव ठाट को समर्पित रागों में गंभीरता होती है। यह विशेष रूप से सुबह के रागों में पाया जाता है जो अद्भुत और गहरी भावनाएं व्यक्त करते हैं। ये सही बात है, भैरव हमेशा सुबह का ही होता है और 4 से 7, सुबह के 4 बजे से 7 बजे तक, मतलब प्रथम पहर जो हम बोलते हैं दिन का, उस समय ही राग भैरव का जनरली रियाज होता है। और ठाट भैरव तो राग भैरव का ही एक पार्ट हुआ। खमास ठाट, खमास ठाट में सुगम और मधुर स्वर होते हैं जो आमतौर पर रात के समय गाए जाते हैं। इसके रागों में प्रेम और मृदुलता का अनुभव होता है। अगर आप लोगों को याद हो पिछले सेशन में मैंने बताया था कि नी कोमल होते हैं खमास ठाट में। नी कोमल होने से उसको बहुत ही मधुर और मिठास भरा हुआ इसको बना दिया जाता है। इसीलिए इस राग को गाने का समय जनरली आपको मिलेगा कि रात के समय का होता है ये सार, इसमें जो भी राग होते हैं। तोड़ी ठाट, तोड़ी के ठाट के रागों में एक विशेष प्रकार की भैरवी होती है जो उदासी और गहनता को प्रकट करती है। यह राग सुबह के समय गाने के लिए उपयुक्त होता है। तो तोड़ी ठाट में म तीव्र लगता है और कुछ स्वर कोमल भी लगते हैं अगर आपको याद हो। आगे हम, वही स्लाइड है इसलिए मैं ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करूँगी, आगे बढ़ते हैं। तो भैरव गंभीर, गंभीरता का भाव, खमाज सुगम प्रेम का अनुभव, तोड़ी उदासी गहनता का संगीत। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काफी क्लियर दिया हुआ है क्योंकि इससे आपको स्वर अपने हारमोनियम में भी समझ में आएंगे, क्योंकि हमें, हम हमेशा बोलते हैं कि एक छोटा सा नॉलेज है इसमें एक छोटा सा जो क्रम बोला जाता है कि कभी भी आपको सारे गामा बजाना हो हारमोनियम में, तो ये आपके लिए बहुत आसान पड़ेगा अगर आप इसको समझ के करें तो, कि ग और म और नी और सा, इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होता है, बाकी सबके बीच में गैप्स होते हैं। अब जैसे अगर आप देखेंगे सा, सा के बाद कोमल रे, फिर शुद्ध रे, फिर कोमल ग, फिर शुद्ध ग, तो सा रे ग, ये तीनों में एक एक स्वर का गैप है, ठीक है। तो ये जो एक एक स्वर का गैप है ये कोमल रे और कोमल ग का स्वर होता है, और ग और म के बीच में कोई गैप नहीं है, ग से म, शुद्ध म, कोई गैप नहीं है।
यही मैं इसीलिए बता रही हूँ कि आप चाहे सा कहीं से भी उठाएं, पर अगर जो आपको ये तरीका पता है कि ग और म और नी और सा के बीच में कोई गैप नहीं छोड़ना है, तो आप कहीं से भी उठा करके गा सकते हैं। कहीं किसी भी स्वर को आप अपना सा बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको सी को ही सा बनाना है, कि ए को बनाना है, ए प्लस को बनाना है, बी को बनाना है। आप किसी को भी सा बना सकते हैं। पहला काला, तीसरा काला, चौथा काला, कोई भी काला आप बना सकते हैं, ठीक है, अगर आप इस बात को ध्यान में रखते हैं। फिर म के बाद म तीव्र, फिर प आता है, तो एक बीच में एक स्वर खाली जाता है, तो म के बाद प में एक स्वर का गैप, प के बाद ध में भी एक स्वर का गैप है, ध कोमल भी होता है, तो एक स्वर जो बीच का छूटा है वो कोमल स्वर होता है। फिर ध के बाद नी में भी गैप होता है, नी कोमल स्वर का। तो ये सारे स्वरों के प्रकार हैं। जो हारमोनियम बजाने की बात है, वो मैं एक सेशन और करूंगी उस पर, जिसमें कि मैं ये आपको एक आइडिया दूंगी, जिसके बाद आप हारमोनियम के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आपने कहाँ से बजाना है हारमोनियम। आप कहीं से भी उठाएं, आप बजा लेंगे। तो वो मैं अगले क्लास में बताऊंगी, पहले अभी ये चीज समझ लेते हैं। तो बिलावल ठाट, बिलावल ठाट में सारे स्वर शुद्ध इस्तेमाल होते हैं। सा रे गा मा प ध नी, ये सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। कल्याण में सा रे ग म तीव्र लगता है, प ध नी शुद्ध, तो केवल म तीव्र। खमाज में सा रे गा मा प ध नी कोमल, तो केवल नी कोमल होता है। भैरव में सा रे गा मा प ध नी, तो इसमें रे और ध कोमल होते हैं, बाकी शेष स्वर शुद्ध। मारवा में सा रे कोमल ग फिर म तीव्र, प ध नी, तो रे कोमल म तीव्र। काफी में सा रे ग ग कोमल, म प ध नी, नी कोमल, तो ग और नी कोमल है, बाकी शेष स्वर शुद्ध है। पूर्वी में सा रे कोमल ग म तीव्र, प ध कोमल नी, तो रे और ध कोमल म तीव्र। असावरी में सा रे ग कोमल, म प ध नी, ये कोमल, तो ग नी और ध, ग ध नी असावरी में कोमल लगते हैं, शेष स्वर शुद्ध। भैरवी में सा रे ग ध नी, ये चार स्वर इसमें कोमल लगते हैं, म प शुद्ध लगते हैं, तो सा म प शुद्ध और रे ग ध नी कोमल। तोड़ी में सा रे ग कोमल, म तीव्र, प शुद्ध, ध कोमल, तो रे ग ध कोमल म तीव्र, ये तोड़ी के स्वर हैं। तो हमारे पास पांच विकृत स्वर होते हैं और बाकी शेष स्वर शुद्ध होते हैं। तो और इनका जो ठाट की हम बात करें, तो दो या दो से कम स्वर विकृत हो सकते हैं, और मोर देन टू स्वर जो कि विकृत होते हैं, जो कि यहाँ पे हैं, जिसमें कि दो से ज्यादा स्वर विकृत हैं, इसमें दो या दो से कम स्वर हैं जो कि विकृत हैं। जैसे कल्याण में सिर्फ एक स्वर है विकृत, या फिर बिलावल में कोई भी विकृत स्वर नहीं है, खमाज में भी एक स्वर है विकृत, भैरव में दो, मारवा में दो, काफी में दो, पूर्वी में तीन है, दो से ऊपर है, असावरी में भी तीन है, भैरवी में चार है और तोड़ी में भी चार है। तो ये इनके ठाटों के डिफरेंसेस भी होते हैं, जो कि आपको जानना चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी ठाटों की बात कर रहे हो, तो इनमें जब तक आपको पूरा नॉलेज ना हो, आप बताने में भी सक्षम नहीं होंगे। इसलिए इसको अच्छे से आप नोट करके रख लें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। स्वर की श्रेणियां, 40% 40% सुर। सुर भारतीय संगीत की मूलभूत इकाई होती है। यह संगीत की पहचान और विशिष्टता का निर्धारण करता है, जो राग को परिभाषित करता है। 20% आलाप, आलाप एक प्रकार का स्वर होता है, जिसमें राग के स्वर को विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है। यह राग में गहराई और भावनाओं को जोड़ता है। 10% ताल, ताल
समय बिंदु और संगीत के लय को निर्धारित करता है। यह स्वर के साथ मिलकर राग की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 30% सरगम, सरगम सुरों की श्रृंखला होती है। 30% सरगम, सरगम सुरों की श्रृंखला होती है जो संगीत के संदर्भ में एक आधार प्रदान करती है। यह विभिन्न रागों को खेलने और समझने में मदद करती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी या कम जरूरी किसी को नहीं बोल सकते, हमेशा सुर में गाना चाहिए। आलाप, आप स्टार्टिंग में आलाप ही उठाते हैं, उसी से गाना समझ में आता है आप कौन सा राग गा रहे हैं। ताल, अगर आप ताल में बद्ध होकर के गा रहे हैं तो कोई भी गाना जो आप गा रहे हैं वो और मीठा लगने लगता है और सुरीला लगने लगता है। सुरीला मतलब वो और सुर में आ जाता है। तो सुर अगर आपको नियंत्रण करना है तो ताल को भी अगर आप ध्यान दें तो सुर अपने आप भी नियंत्रण होने लगता है। और सरगम तो हम सब जानते हैं सरगम क्या है, सारे गामा पा धा नी सा। अब ठाट और स्वर का महत्व। ठाट और स्वर भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो अनिवार्य धाराएं हैं। ठाट न केवल रागों का आधार है बल्कि संगीत की संरचना और प्रस्तुतिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वर संगीत की जादुई दुनिया को जीवंत बनाता है। दोनों का समन्वय संगीत को अद्वितीय और प्रेरणादायक बनाता है। तो यही है आज के लिए, और आप मेरे चैनल को जरूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके जो भी जानकार, जो भी संगीत से जुड़ना चाहते हैं, उनसे जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। और आज के लिए नमस्कार।